हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अब तो चैत्र नवरात्रि आ रही है, तो इसलिए हमने सोचा कि माता रानी को भोग लगाने के लिए यानी प्रसाद चढ़ाने के लिए आटे का हलवा की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूं, जो आप लोग भी माता रानी को अच्छे से घर पे ही बनाकर भोग लगाएं। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या चाहिए। ये मैंने जिस कटोरी से आटे लिए है उसी कटोरी से चीनी ली है, और ये दूध है, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें काजू, बादाम, सूखा नारियल और वो लावा हम लोग बोलते हैं जिसे इधर मखाना बोलते हैं, और ये हरी इलायची को कूटकर हमने ले लिया है। तो चलिए हलवा बनाते हैं। ये देखिए हमने घी डाल दिया है, अब इस आटे को भूनेंगे। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स ये हलवा बनाने में बहुत ज़्यादा घी चाहिए तभी ये हलवा बनेगा, कम भी घी में हलवा बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए हम इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसी में हम ड्राई फ्रूट्स भी डालकर भून लेंगे। तो देखिए अब इसी में ये ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर हम डालकर थोड़ी देर भूनेंगे। बहुत ही जल्दी ये हलवा बनकर तैयार हो जाता है। कुछ लोग को ये आटे को भूनकर अलग से पानी या दूध में घोलकर चीनी को पानी डालकर पिघला लेते हैं तब मिक्स करते हैं, लेकिन देखना मैं ये सब साथ में ही डालूँगी। ये भूनने के बाद इसी में ये चीनी भी डालकर थोड़ी देर भूनूंगी, और देखना थोड़ा भी इसमें गांठे नहीं आएगी। बहुत ही टेस्टी बनकर ये हलवा तैयार होता है। आप प्रसाद के लिए भी बनाएं और ऐसे भी बनाकर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखना फ्रेंड्स, ये देखिए अब दूध भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करकर डालेंगे, एक ही साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो ये हलवा बहुत गीला हो जाएगा, एकदम सूखा अच्छा नहीं बन के तैयार होगा। तो आप भी आराम से डालना दूध को थोड़ा थोड़ा करके, अच्छा चलाते रहना। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध डाल के हम फटाफट से मिक्स करेंगे, नहीं तो एक ही जगह वो दूध गांठ बना लेगा। और ये घी डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक हाथ से चलाना नहीं बन रहा है इसीलिए ज़्यादा शोर हो रहा है। ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप प्रसाद में भी खा सकते हैं और ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी भी गांठें इसमें नहीं पड़ी है। आप लोग को मैं दिखाई ही कि ये गैस पे ही मैं आटे में ही चीनी, ड्राई फ्रूट्स और दूध सब एक ही साथ मिक्स कर दी। मैंने अलग से कोई आटे का घोल नहीं बनाया और ना ही चीनी का सीरा बनाया, मैं सब एक ही साथ मिक्स कर दी। और देखिए फिर भी इसमें थोड़ी भी गांठें नहीं पड़ी है और बहुत ही टेस्टी ये हलवा बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि मेरा ये प्रसाद का हलवा कैसा लगा। फ्रेंड्स, आप सभी को ब्लॉगिंग वीडियो देखना है, इंटरटेनमेंट करना है तो कमेंट ज़रूर करना। मैं आप सभी के लिए इंटरटेनमेंट वीडियो, ब्लॉगिंग वीडियो, शॉर्ट वीडियो ज़रूर लाऊंगी। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं तो आप सभी तक पहुँचे। देखिए मैं अपना हलवा बर्तन में निकाल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना कड़ा और टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ है, थोड़ा भी गीला नहीं हुआ है। मेजरमेंट तो मैं आप लोगों को दिखाई ही थी, जिस कटोरी से मैंने चीनी लिया है उसी से आटा, और उसी कटोरी से थोड़ा सा खाली यानी 3/4 कटोरी दूध था, और ड्राई फ्रूट्स अपने अनुसार कर सकते हैं। और ये टेस्टी हलवा बनाएँ और मज़े उठाएँ। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ओके, बाय बाय।